के और मजबूत करना चाहते हैं। कार्यकर्ताओं की डिमांड है कि कांग्रेस कैंडिडेट बनाए, आपको दोबारा जिताना है, 5 साल का सूखा दूर करना है। कार्यकर्ताओं ने फीडबैक लिया, कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, तो आप ये जो भी पार्टी, ये पार्टी के हाथों में होता है, पार्टी का निर्णय होता है कि किसको पार्टी जो है कहाँ से उम्मीदवार बनाती है। और जिसको भी, जिस भी पार्टी, मैं तो एक पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, और जिसको भी जो ये जिम्मेवारी मिलेगी, हम सभी कांग्रेसी मिल करके हम अपने उम्मीदवार का हम हाथ बताएंगे। पिछले 5 साल बहुत मिस किया करनाल कुक्षेत्र की जनता ने आपको, तो आपको क्या लगा यहाँ विकास नहीं हुआ, विकास का रुक गए जो आपकी प्लानिंग थी सब? देखिए, जो जिस तरह से कुरुक्षेत्र के अंदर, यमुनानगर के अंदर, पूरे कुरुक्षेत्र, पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, शाहबाद में, लाडवा में, कैथल के अंदर, पूरे हरियाणा में जिस तरह से पहले विकास हो रहा था, वो विकास जो है वो थम सा गया है। लोगों की जो अपेक्षाएँ थी, लोगों को जो उम्मीदें थी, किसानों को जो उम्मीद थी, कर्मचारियों को जो उम्मीदें थी, उनकी उम्मीदों के ऊपर जो है पानी सा गिर गया। व्यापारी वर्ग है, कर्मचारी वर्ग है, मजदूर है, दलित है, सभी जो है अपने आप को जो है ये महसूस करते हैं कि उनका जो है जो विकास है वो रुक गया। जिस तरह से हरियाणा के अंदर जात पात के नाम के ऊपर, जिस तरह से यहाँ पर जो है लोगों के अंदर भेदभाव को बढ़ाया गया, तो वो भी जो है मैं समझता हूँ कि बहुत गलत हुआ। लेकिन हमें उम्मीद है कि हरियाणा की जनता जो है बहुत ही जागरूक है, और आने वाले समय पर वो इसका सही, इसका जवाब देगी। थैंक यू सर। थैंक यू।